एपिसोड की शुरुआत में हमें एक ईगल को दिखाई देता है जो स्नो माउंटेन पर आता है और आइस पर अपनी चोंच मारता है, जिसे आइस में क्रैक पड़ने लगते हैं और उसमें से एक पावर के साथ हेवनली फ्लावर बाहर निकलता है, जिसके बाहर निकलते ही वहां आसपास एक पावरफुल लाइट निकलती है और इसके चारों ओर एक शील्ड बन जाती है और अब हमारा सीन चेंज होता है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक साथ मिलकर जाक को मारने के लिए आए होते हैं और वो स्नो माउंटेन पर होते हैं और यहाँ जाक की मुंह से खून निकल रहा होता है और वो सभी लोग जाक को धमकी दे रही होते हैं और कहते हैं तुम एक कचरा हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए तुम्हें मेरी बहन से एंगेजमेंट तोड़ देनी चाहिए। जिस पर जाक कहता है मैं एंगेजमेंट को नहीं तोड़ूंगा, यह एंगेजमेंट को मेरे पेरेंट्स ने करवाई थी, अगर तुम्हें इस एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए पेपर चाहिए वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरे सामने भीख मांगनी होगी। यह सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके जाक की ओर बढ़ने लगता है। तभी जाक एक इविल स्माइल देते हुए काय की ओर बढ़ने लगता है। यह देखकर वो बंदा कहता है जो तुम पर भरोसा करते हैं तुम उन्हें अपनी शक्ल कैसे दिखाओगे। जिस पर जाक कहता है मैं भले ही मरने जा रहा हूँ पर अगर मैं बच गया मैं इसका 10 times बदला लूंगा जो तुमने मेरे साथ किया है। और यह कहते ही जाक काय में कूद जाता है, जिसे देखकर वो बंदा उसे कमजोर कहकर वहाँ से निकल पड़ता है। और तभी हम देखते हैं जाक काय से नीचे गिरते वक्त वहाँ का टाइम स्लो हो जाता है और फिर जाक पर एक लाइट आकर गिरती है, जिसे जाक एक और दूसरी जगह पर पहुँच जाता है, जिसे देखकर वो हैरान होता है आखिर मैं यहाँ कैसे आ गया। तभी उनके आगे कुछ शीट दिखाई देती है, यह कोई मामूली सीड नहीं थी, यह हेवन और अर्थ की एनर्जी को ऑब्जर्व करने वाली सीड होते हैं जो हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। अब इसे देखकर जाक उससे जाने के लिए उसे पकड़ लेता है, जिसे हेवन और अर्थ की पावर जाक अंदर जाने लगती है और जाक उसकी पावर से हील भी हो जाता है। और यही पर सीन कट होकर हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो अपनी जूनियर से बात करते हुए कहता है अच्छा हुआ कि तूने उस माउंटेन के पास थे और वहाँ पर तूने एंग मास्टर को बचा लिया और उसे यहाँ लेकर आ गए। जिस पर जूनियर कहता है क्या यंग मास्टर जगाने के बाद हमारे साथ ही रहेंगे क्योंकि किंग हाउस ने तो उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यह यंग मास्टर की इच्छा पर निर्भर करता है, वो यहाँ रहेंगे नहीं तो जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि उस घर से एक पावरफुल ऑरा बाहर निकलने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान होते हैं और सोचते हैं इतना पावरफुल इंसान कौन है जो इतनी पावरफुल ऑरा को जनरेट कर रहा है। तभी हम उसी हाउस में जाक को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो सारी एनर्जी इनकी बॉडी से ही निकल रही होती है। और फिर जाक उस हेवनली सीड के बारे में कहता है यह तो बहुत ही पावरफुल है, इसकी मदद से तो मैं आसानी से कल्टीवेशन कर पा रहा हूँ और इसे मैं एक ही रात में पावरफुल हो गया हूँ। और फिर वो वहाँ से खड़े होते हुए कहता है मुझे जिन लोगों ने भी परेशान किया था मैं उनसे बदला एक एक करके जरूर लूंगा। और फिर वहाँ से बाहर निकलता है और फिर उसके पास वही ओल्ड मैन आता है और उसके हाथ को पकड़कर चेक करने लगता है और उन्हें पता चलता है यह फिर से कल्टीवेशन करने के लायक हो गए हैं और इसके पावर भी इंक्रीज हो गए हैं। तभी जाक थैंक्स बोलता है और ओल्ड मैन उसके हाथ को चेक करते हुए सोचने लगता है इसके पावर तो हेवनली लेवल तक पहुंच चुकी है, मुझे पता था कि वो हेवनली सीड इसी को ही मिलेगा, अब यह बहुत तरक्की करने वाला है। और फिर वो ओल्ड मैन वहाँ से जाने लगता है और कहता है आज का दिन बहुत ही गर्म है तो मैं सोने जा रहा हूँ। और वही जाक को डाउट होता है इनको मेरे बारे में पता चल गया है, मेरे पास उस हेवनली सीड है। तभी जाक के सिस्टर दौड़ते हुए आती है और जाक को गले लगा लेती है और फिर वो कहते हैं आप तो पहाड़ से नीचे गिर गए थे तो क्या ठीक है। इस पर जाक तो उसे शर्मा के मारे दूर हट आता है और फिर कहता है तुम चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब सिस्टर इनको बताती है फादर मुझे एक रूम में बंद करके समय से कल्टीवेशन करवा रहे हैं, पर जब मैंने सुना है कि आप यहाँ पर है तो मैं वहाँ से यहाँ पर आपसे मिलने आ गए। तभी हम देखते हैं वहाँ एक मोटा बंदा आता है जिसके साथ दो आदमी और होते हैं
और वो मोटा कहता है, मैंने कहा था कि इस घर को 3 दिनों में खाली कर लो, पर तुम लोग यहाँ से क्यों नहीं गई। और वो सुनाने लगता है। तभी जॉक की सिस्टर कहती है, तुम यान फैमिली की यंग मास्टर के सामने कैसे बात कर रहे हो। जिस पर वो मोटू जॉक की बेइज्जती करते हुए कहता है, तुम कमजोर हो, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, तुम सांस लेने के अलावा कुछ भी काम नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ यूजलेस हो। जिस पर जॉक जूनियर से कहता है, तुम जाकर उस दरवाजे को बंद करो। तभी मोटू जॉक से पूछता है, तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो। तो जॉक कहता है, हम अपने घर के लोगों को ऐसे ही ठीक करते हैं, जो सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी दोनों आदमी से उस जूनियर पर अटैक करवा देता है। तब जूनियर उन दोनों के सर पकड़कर जमीन के ऊपर मारता है, जो देखकर मोटू कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लोगों पर अटैक करने की। और फिर वो जॉक पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जॉक उसके अटैक को बड़े ही आसानी से रोक लेता है और फिर उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और उसे बहुत सारे थप्पड़ भी मारता है, जिसे देखकर ओल्ड मैन कहता है, ये आज इसे नहीं छोड़ेगा। तभी हम देखते हैं जॉक और जूनियर यह दोनों ही मिलकर उन लोगों को घर से बाहर फेंक देते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है और अगला एपिसोड भी जरूर आएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना।